Why is everybody leaving the country? It's such a great system here. Ghanta system you have. अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया. मैं कालाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ. फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिया. यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी एंड द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन. सीरियसली, दीज आर डॉक्टर्स, दीज आर नॉट स्मॉल किड्स. दे आर राइटिंग एन एग्जाम टू स्टे इन दिस वेरी कंट्री दैट यू आर रुइनिंग विद योर पॉलिसीज. Are the people in the Ministry of Education even eligible to take such decisions? This video presented by Manur Multi-Speciality Hospital, highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. I just found out that the NEET PG examination that was supposed to be conducted tomorrow at 9:30 a.m. just got postponed, and the circular for postponement was released 15 minutes ago. That means it was less than 12 hours before the actual paper was supposed to be conducted. Are the people in the Ministry of Education even eligible to take such decisions? Are they even eligible to be in that position of power and change and make policies that will ruin people's lives like this? Do you not think before doing such things? You're trying to protect the integrity and the sanctity of the examination. Seriously? By stopping it 12 hours before the paper, what did you do when you were releasing the admit cards? The NEET UG controversy was going on even then. What stopped you then? And why are you doing it now? What point are you trying to prove here? These are doctors. These are not small kids. They are writing an exam to stay in this very country that you are ruining with your policies. And then you have the audacity to ask everybody, why is everyone leaving? Why is everybody leaving the country? It's such a great system here. Ghanta system you have. This is very wrong to our part. अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया. मैं कालाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ. फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए. तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस, एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग. मतलब अगर कुछ भी चीज है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे सेम चीज कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है. दे शुड Think about the students before deciding anything. I am asking government कि कुछ भी अगर आपको करना है तो पहले थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोच लो. बस यूं ही हमारे ऊपर शॉक पे शॉक सरप्राइज गिफ्ट्स मत फेंको करके. थैंक यू. पेपर लीक हुआ है तो इसलिए वो पेपर लीक के बारे में तो कुछ नहीं आया है. हमारे साइट्स पे ये आया है तो कि पेपर लीक हुआ होगा सोच के उन्होंने ये किया है, और फॉर द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस दे आर डूइंग दिस. बट वॉट अबाउट आवर सैंक्टिटी? वॉट अबाउट लाइक हमारा क्या उसमें? अब क्योंकि यूजी का पेपर लीक हुआ जरूरी नहीं है पीजी का भी लीक हुआ होगा. अब बस उनको ऐसा लगा कि पीजी का पेपर लीक हुआ होगा तो उन्होंने बस कैंसिल कर दिया ऐसे 12 घंटा पहले. तो बहुत गलत चीज हुई है. हाँ, कल जाके हम एग्जाम सेंटर देख के आए सब. मतलब एक दिन पहले हमको सब कुछ फाइनलाइज करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है. रात को अगर 10 बजे हमको पता चला, अगर 10 बजे हम सो गए होते तो आज सुबह 7 बजे हमको एग्जाम सेंटर में सेम चीज पता चलता. तो ये तो मतलब सही नहीं है. अगर आपको करना है वही चीज अब करो, 24 घंटा पहले करो ताकि किसी को दिक्कत ना हो उस चीज में. हम लोग अब इतना दूर से आ रहे हैं, अब इतना दूर जाएंगे. मैं जॉब करती हूँ साथ में, मेरा जॉब से मैंने सीएल लिया है. अब मेरा 2 CL 3 CL वेस्ट हो रहा है, उसके साथ साथ मेरा जो पैसा जाना आना खर्चा सब ये हो रहा है ना. तो उनका बस वी आर डीपली रिग्रेटेड बोल देने से तो हमारा तो कुछ ये नहीं हो जा रहा है ना. हम लोग के लिए कुछ तो उनको करना चाहिए इस केस में. मुझे लगता है मेरा सेंटर गीता ऑटोनॉमस कॉलेज बड़ा रघुनाथपुर जानला में पड़ा था. यहाँ से वो भी आधा घंटा का दूरी है, आधा घंटा 45 मिनट. वहां पे जाओ, सेंटर देखो, सब करो, आओ, और फिर बाद में पता चलता है कि जाना ही नहीं है. तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है. This video presented by Manur Multi-Speciality Hospital, highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.